आगे लाइट की ओर करते हैं। 7.62 mm 6716 असाल्ट राइफल पे चार प्रकार के मैकेनिकल सेफ्टी दिया हुआ है, लॉक अनलॉक इजेक्टर और एक्सट्रैक्टर सपोर्टिंग पिन। यह सेफ्टी हथियार पे किस प्रकार से काम करता है, इसी कार्रवाई का नमूना हथियार पे बयान के साथ दूंगा, आप देखे सुने और समझें। नीली पोजिशन सीखे तरीके से राइफल को खोल दें। सबसे पहले लॉक, जब तक राइफल लॉक नहीं होगा तब तक फायर नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान फायरिंग पिन का पीछे वाला रिंग बोल्ट कैरियर के अंदर बने वाल से टकरा जाता है। जब राइफल अनलॉक होता है तो फायरिंग पिन का रिंग बोल्ट कैरियर के अंदर बने वाल से के साथ लगा होता है। यदि गलती से उस दौरान फायर ट्रिगर को प्रेस कर देता है तो फायरिंग पिन को अपने जगह से होल से बाहर आने का जगह नहीं मिलता है और ना ही राउंड के प्राइमर पर चोट मार पाता है, इसलिए लॉक को मैकेनिकल सेफ्टी माना गया है। अभी दिख रहा है ये लॉक हालात में है, यदि अनलॉक हालात में अगर फायर ट्रिगर को प्रेस करता है तो फायरिंग पिन को अपनी जगह से आगे आने का जगह नहीं मिलता है, क्योंकि फायरिंग पिन का रिंग वाला जो भाग है वो बोल्ट कैरियर के अंदर जो वाल है उसके साथ ये लगा होता है। इससे क्या होता है कि फायरिंग पिन और चैम्बर वाले राउंड के बीच में गैप ज्यादा हो जाता है, इसलिए लॉक को मैकेनिकल सेफ्टी माना गया है। अभी नेक्स्ट अनलॉक, जब तक सेफ प्रेशर पैदा नहीं होगा तब तक चाल वाला पुर्जा अनलॉक नहीं होगा। यह कार्रवाई तब होता है जब बुलेट मजल इंड को छोड़ देता है। यदि बुलेट का मजल इंड छोड़ने से पहले ही इसके अंदर सेफ प्रेशर पैदा हो जाता है तो फायरर और हथियार दोनों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि गैस का पूरा प्रेशर पीछे आ जाएगा जिससे हादसा हो सकता है, इसलिए अनलॉक को मैकेनिकल सेफ्टी माना गया है। अगला है इजेक्टर। 7.62 mm 6716 असाल्ट राइफल पे जो इजेक्टर दिया है वो पुशरट टाइप का है। जब राइफल लॉक होता है उस दौरान इजेक्टर नीचे की ओर दब जाता है, जिससे फायरिंग पिन और चैम्बर के अंदर वाले राउंड का प्राइमर एक सीध में आ जाता है। यदि इजेक्टर टूट गया और फायरिंग पिन और चैम्बर वाले राउंड का प्राइमर एक सीध में नहीं होगा तब तक फायर गलती से भी ट्रिगर को प्रेस कर देता है तो राउंड फायर नहीं होगा, इसीलिए इजेक्टर को मैकेनिकल सेफ्टी माना गया है। यानी जब तक इजेक्टर दबेगा नहीं तब तक फायरिंग पिन चैम्बर वाले राउंड के सिर में नहीं आएगा। अगला है एक्सट्रैक्टर सपोर्टिंग पिन। चलो आगे यह है एक्सट्रैक्टर सपोर्टिंग पिन। सिग राइफल का जो एक्सट्रैक्टर है वो उसके बोल्ट पर दिया हुआ है। एक्सट्रैक्टर को सपोर्ट करने वाला बोल्ट कैरियर में कोई नहीं है। जब राउंड फायर होता है
तो गैस पैदा होता है। गैस के पैदा होने से एक्सट्रक्टर के ऊपर सपोर्टिंग पिन अगर नहीं दिया रहता तो ये गैस के प्रेशर से एक्सट्रक्टर जो है वो टूट जाता, जिससे फायर और हथियार दोनों को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए एक्सट्रक्टर को सपोर्ट देने के लिए चेंबर के पास एक्सट्रक्टर सपोर्टिंग पिन को दिया हुआ है ताकि हादसा से बचा जा सके। बस ये था सिग राइफल के मैकेनिकल सेफ्टी। ये था सिग राइफल का मैकेनिकल सेफ्टी।